अमृतसर पुलिस वालों शहर के मोहिनी पार्क इलाके एक एन आर आई के घर में हुई चोरी के मामले में दो औरत नौकरां नूं गिरफ्तार किया गया है। इन्हां कोलों चोरी के गहने समेत होर भी समान बरामद होया है। पुलिस मुताबिक इन्हां दा पूरा गैंग है जो घरां विच काम करन दे बहाने चोरी दीआं वारदातां नूं अंजाम दिंदा है। पुलिस वालों इन्हां कोलों पुछगिछ की जा रही है तां जो इन्हां दे दूजे साथियों तक भी पहुँचा जा सके। ये जो मामला है चोरी का है, 4 तारीख को FIR दर्ज हुई थी कैंटोनमेंट थाने में रिगार्डिंग चोरी जो कि एक NRI के घर पे हुई थी। उसके अंदर जो वारदात की जगह पे पुलिस टीम तुरंत ही पहुंच गई थी। उन्होंने जाके देखा कि गोल्ड और गोल्ड के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी चोरी हुई है। जो शक था वो मेनली उनकी नौकरानी पर था जो कि उन्होंने कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने घर पर लगाई थी, और साथ ही उसकी मदर भी थी जो कि उसी दिन उनके घर आई थी। इसमें कोई लीड नहीं थी तो हमें सिर्फ एक CCTV की फुटेज थी जिसके बेसिस पे उसकी कुछ आइडेंटिटी मिल रही थी। पुलिस ने बहुत ही तेज़ी के साथ काम किया और हमने जो है फ़ोन मोबाइल फ़ोन लोकेशन के टेक्निक्स और इनके थ्रू यूज़ करके उसकी लोकेशन ट्रैक करके हमने उसे पकड़ा है। इसमें देखने वाली बात है कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी काम करते हुए महज 3 दिनों के अंदर ना सिर्फ दोनों अक्यूज को पकड़ा बट साथ ही साथ उन्होंने रिकवरी भी किया जो ज़्यादातर गोल्ड के सामान की। जो कुछ बचा हुआ है वो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, उसने किसी को बेचा है, फर्दर वो लिंक्स हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक क्या सर फर्दर कार्रवाई क्या की गई है? अभी फर्दर कार्रवाई यह है कि दोनों अक्यूज को रिमांड पर लिया गया है और साथ ही जो और इसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी तलाश जारी है। जो कि इनके बयानों के मुताबिक पासपोर्ट्स और जो टिकट्स है वो लेडी के बेटे के पास है, उसकी लोकेशन भी हम ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन में ये भी देख रहे हैं कि इसके तार जो है वो इंटरस्टेट जो रॉबरी के गैंग्स होते हैं उसके साथ ना हो, उसकी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका कोई नेशनल लेवल पर कोई गिरोह है या कोई ऑपरेट कर रहा है तो वो भी हम पिन अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो चोरी की वारदातें हैं उन्हें कम की जा सके, साथ ही साथ जो इनके साथी हैं उनको भी पकड़ा जा सके।